राधे राधे दोस्तों, आज हम जो खबर दिखा रहे हैं वो खबर एक ऐसी है जिसे देखकर आप भी ताज्जुब करेंगे। आज तक आपने घोटाले देखे होंगे, लापरवाही देखी होगी, हर तरह की खबरें देखी होंगी, लेकिन आज जो हम खबर दिखा रहे हैं वो इन सबसे बड़ी खबर है। अब आ जाइए मेन चीज पर। आखिरकार खबर है क्या? खबर है मोक्ष धाम की, और मोक्ष धाम भी कौन सा वाला? ध्रुव घाट, जो मथुरा का सबसे प्राचीन मोक्ष धाम है। अब यहाँ पर अव्यवस्थाओं की भरमार हो चुकी है। यहाँ पर सबमर्सिबल खराब है, पानी की व्यवस्था नहीं है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आप जो मोक्ष धाम का जो सीन देख रहे हैं, ये यहाँ पर गंदगी का अंबार देख रहे हैं, यह है ध्रुव घाट का सीन। अब आप कहेंगे कि इसमें ऐसी क्या बात हो गई? यहाँ पर जब इंसान मृत्यु के बाद दाह संस्कार के लिए आता है तो साफ सफाई भी देखी जाती है और हर तरह के क्रियाकर्म किए जाते हैं, लेकिन जब यहाँ पर भी जिस जीवन को जीते हुए गंदगी के अंबारों में जीना पड़ता है, उसी तरह से मृत्यु के बाद भी अगर इसी तरह की गंदगी में दाह संस्कार होंगे तो सोचिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। आखिरकार मोक्ष धाम जैसी जगह, शमशान जैसी जगह को भी गंदगी के अंबार ने अपनी चपेट में ले लिया है। लापरवाही किस तरह से हो रही हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। अब जानते हैं जो यहाँ पर शवदाह करने आए हैं, इन लोगों की जवानी क्या है, कहना इन लोगों का। बहुत बड़ी क्षति है, हमारी सीता काकी जी का निधन हो गया है, जिनको कि हम शमशान घाट पर लेके आए हैं। तो यहाँ विगत 8 दिनों से बोरिंग खराब है। यहाँ का लड़का कह रहा है कि साहब 8 दिन से बोरिंग खराब है, और यहाँ कुत्ते जो है वो मृत शरीरों के हिस्से को भाग को लेकर यहाँ दौड़ रहे हैं, जिनकी की अभी वीडियो भी आपको दिखाई जाएगी आगे। और किसी भी पदाधिकारी के यहाँ कोई भी इसका रुझान नहीं है इसको लेकर। तो सभी पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है कि अगर इसमें समर्थ हो या न हो तो पब्लिक से चंदा करें, इस बात का हम देने को तैयार हैं, और यहाँ की बोरिंग को पहले से ही कराया जाए। धन्यवाद। बाकी का इनसे आप बात करें, क्या कह रहे हो आप लोग? हमारी मौली बोर में हमारी सीता भाभी जो गुजर गई है, हम शमशान पे ले लिए आए है। शमशान पे ये हालत है, कुत्ता गोश्त के टुकड़ों को लिए डोल रहे हैं यहाँ पे। शमशान सब रोज सड़ रहा है पूरी तरह से, ना कोई पानी की व्यवस्था है। चेयरमैन आए जब से ये समस्या बेकार हो गई है, पदाधिकारी एवं नेताओं को मन में शर्म आनी चाहिए। शमशान जैसे स्थल पर यहाँ भी राजनीति हो रही है, यहाँ जो है पानी का बिल्कुल सिस्टम खराब हो चुका है। लाइट कब से नहीं आ रही है? कल से प्रॉब्लम है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं यहाँ पे। अरे भाई ये बताओ, कुत्ते जो है यहाँ मांस के लूट के खींच खींच के ले जा रहे हैं, क्या? हाँ वो लग रहे हैं, घाट लगे हैं, पानी की प्रॉब्लम है। अब भी फोन किया, वो आ रहा है नीचे से, भाई हमें आपसे ज्यादा होगा, हम भी इंसान हैं, आपसे ज्यादा है क्या ना चाहिए इसमें? मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, लाइक हम ये कह रहे हैं कि आप थोड़ी कुछ करोगे, लेकिन व्यवस्था आपने फोन तो किया होगा। तीन दफे फोन किया है, कोई फोन हम कर रही है, तीन दफे फोन किया, आ रहा कल हुआ, भाई आप फोन कर लो एक बार, मैं नंबर देता हूँ आपको। हम तो स्थिति दिखाई दे रही है सबरी, स्थिति से ऊपर मालूम है, उन्होंने भी फोन किया है भाई, बिजली घर क्या करें, आप बिजली वाले करेगा काम, चेयरमैन का काम है, जनरेटर का ही नहीं है। कुल मिला के यहाँ बिजली घर की, बिजली विभाग की लापरवाही का लाचार नजारा देखने में आ रहा है। गंदगी यहाँ पर शमशान करते हैं।